गाजर का हलवा बनाना बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं जब हम इसमें कुकर का इस्तेमाल करते हैं। भाई शेफ़, वो तो सब ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि गाजर का हलवा हम कुकर में क्यों नहीं बनाए? कुकर में जल्दी बन जाता है, उसमें क्या बुराई है? यहाँ पे लिए हमने 2 किलो गाजर, और 2 किलो गाजर में 2 पीस ज़्यादा चढ़ा देना। जब हम इसको पील करेंगे ना, तो कम से कम 2 गाजर का यील्ड कम हो जाता है, मतलब वेस्टेज यहाँ पे चला जाता है छिलकों के अंदर। और जब भी गाजर लेनी है, बहुत ज़्यादा पतली लेने की कोशिश ना करें, लाल होनी चाहिए। लाल होने से क्या होता है, उसका मीठापन इसमें नेचुरली होता है। तो मैंने अच्छी तरह से पील कर लिया, और पील करने के बाद ही मैंने इसको वॉश किया है। अब इसकी ट्रिमिंग कर लेते हैं, ऊपर से और नीचे से। यहाँ से इस तरह से ट्रिम कर लीजिए इसको, हल्का हल्का सा। जब भी गाजर का हलवा बनाते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो मेहनत का काम बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं ग्रेट करना, मतलब इसको कद्दूकस करना। ये काम हो जाए तो सबसे बढ़िया काम है। ये काम बेसिकली जेंट्स लोगों को मिलता है घर में, कि हाँ बैठ जाइए एक जगह और कद्दूकस करते रहिए। मेरे पास में सिंपल वाला है, कई लोग हलवाई वाला जो होता है ना बड़ा वाला, उससे बहुत जल्दी जल्दी भी हो जाता है। अब क्या है, आपको पूरी रखनी है, काटनी कूटनी कुछ नहीं है, सीधा डायरेक्ट इसको ऐसे करते रहिए इस तरह से। इसमें क्या, ग्रिप अच्छी बनी रहती है। और जब भी कद्दूकस करना है ना, हमेशा बड़े वाले छेद जो होने चाहिए, बारीक नहीं होने चाहिए। हमको मैश नहीं करनी, इसके पीसेज हैं बड़े बड़े निकलने चाहिए, क्योंकि जब हम इनको पकाएंगे तो मैश ना हो। सबसे मुश्किल काम यहाँ पे हो चुका है, मतलब कि इसको ग्रेट करने का, कद्दूकस करने का काम हो चुका है यहाँ पे। वैसे आजकल बहुत अच्छे चॉपर भी आ रहे हैं, उनसे भी आप कर सकते हैं ये काम, अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है तो। तो चलिए फटाफट से इसको पका लेते हैं। कढ़ाई मैंने चढ़ा रखी है, एक कढ़ाई मैंने ले ली है, हैवी बॉटम होनी चाहिए। इसमें 1 बड़ा चम्मच हमने घी का इस्तेमाल किया है। घी इसको सिर्फ ग्रीसिंग करने के लिए मैंने लिया है, अभी बाद में और एक्स्ट्रा डालेंगे। और अब डालेंगे हम गाजर इसके अंदर यहाँ पे। अगर एक बार में गाजर ना आए तो धीरे धीरे करके गाजर नीचे बैठ जाएगी, तो आप डाल सकते हैं। जितनी गाजर आ रही है, ईजिली मूव हो रही है, उतनी ही हमको गाजर डालनी है यहाँ पे। गैस की फ्लेम को मैंने फुल कर दिया है, आधी गाजर आई है, जब थोड़ी सी बैठ जाएगी उसके बाद में हम बाकी की गाजर ऐड कर देंगे, काम करने में आसानी रहेगी। यहाँ पे गाजर को पकते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो चुकी हैं, और गाजर नीचे की तरफ बैठ गई है, तो जो बची हुई गाजर है उसको भी ऐड कर देते हैं, तो काम आसान हो जाएगा हमारे। यहाँ पे गैस की फ्लेम को मैंने फुल रखा हुआ है यहाँ पे, और लगातार इसको स्टर कर रहे हैं, ऊपर नीचे करना है। जब ये सारी बैठ जाएगी ना, उसके बाद हम दूध ऐड करेंगे, अभी दूध ऐड नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, ये गाजर यहाँ पे थोड़ी सी नीचे बैठ गई है, लगभग 10 मिनट उसको हो चुके हैं, तो अब हम दूध डाल सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो गाजर लिए ना, तो दूध मैं डालूंगा यहाँ पे 1 किलो। वैसे आप चाहें तो 2 किलो दूध भी डाल सकते हैं, उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। और जब भी दूध लें, हमेशा फुल फैट लें। फुल फैट दूध से मावा भी अच्छा बनता है, और हलवे में भी काफ़ी अच्छा रहता है। ये रहा 1 लीटर दूध। अब दूध को रिड्यूस कीजिए, और गाजर भी पकती रहेगी और दूध भी रिड्यूस होता रहेगा, दोनों काम एक साथ होते रहेंगे। गैस की फ्लेम को फुल रखना है। अब बारी आती है यहाँ पे चीनी डालने की। अब चीनी अगर हम पहले डाल देते हैं तो क्या होता है, चीनी अगर हम पहले डाल देते हैं तो क्या होगा, ये जो इसके जो दाने दिख रहे हैं ना आपको, ये थोड़े कड़क हो जाते हैं, यही एक रीज़न है। लेकिन चीनी अभी हमको डालनी होगी, अगर हम अभी नहीं डालेंगे तो क्या होगा, ये बिल्कुल मैश हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 किलो गाजर ली है, 1 किलो दूध लिया है, 1/2 किलो चीनी ली है। आप चाहे थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार, भाई चीनी हो गई या फिर स्पाइसी हो गया, नमक हो गया, अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ। अब चीनी डालने से क्या होगा कि जो गाजर है स्टेबल हो जाएगी थोड़ी सी। अभी आपको थोड़ा सा ड्राई ड्राई सा नज़र आएगा, धीरे धीरे करके चीनी अपना पानी छोड़ेगी, और उसके बाद में ये जो गाजर है वो स्टेबल हो जाएगी। यहाँ पर गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल कम नहीं किया है, लगातार फुल आँच पर रखा है। यहाँ पर चीनी को पहले डालना बहुत ज़रूरी होता है, अगर चीनी हम बाद में डालेंगे ना तो ये बिल्कुल मैश हो जाएगा। चीनी क्या करती है, इसको स्टेबल करती है, इसलिए चीनी पहले डालिए। अगर आप सबसे पहले चीनी डाल देंगे तो आपको ये जो दाने दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल लच्छे दिखेंगे। आपने गौर किया होगा कि हलवाइयों के पास में लच्छे दिखते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे ही गाजर पकाते हैं उसी टाइम शुगर डाल देते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का पसंद है। मुझे मीडियम पसंद है, कि हल्का सा महसूस होना चाहिए इसका टेक्सचर, बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा लच्छे भी अच्छे नहीं लगते हैं। इसको रिच फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पे 1/2 kg मावा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये फ्रेश मावा है। अगर आप मावा नहीं डालना चाहते हैं तो दूध को 3 किलो कर दीजिए आप, लेकिन मावा डालते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कई जगह मावा क्या करते हैं, भून के भी डालते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे भी डालते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, इससे भी टेक्चर अच्छा हो जाएगा। 1/2 kg मावा इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं घी ऐड कर रहा हूँ 2 बड़े चम्मच। अगर आप चाहें तो इसको बिना घी के भी बना सकते हैं, 1 चम्मच से भी घी से बना सकते हैं। घी डालने से क्या होगा, यहाँ पे शाइनिंग आएगी,
साथ में ये काफ़ी अच्छा लगेगा खाने में, स्वाद भी इसका काफ़ी बढ़ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे कम भी कर सकते हैं घी, ज़रूरी नहीं कि घी को बहुत ज़्यादा डालना, वो आपकी मर्ज़ी है, ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड है। मैंने 3 बड़े चम्मच और डाले हैं यहाँ पर, 1 बड़ा चम्मच तो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में डाल दिया था और 3 बड़े चम्मच बाद में डाल दिए। मावा डालने के बाद में हमने इसको लगभग 5 से 6 मिनट और पका लिया है। और अब देखिए होता क्या है कि घी साइड में आने लग जाता है, मतलब कि पूरी तरह से पक चुका है, किसी तरह का वाटर कंटेंट इसमें नहीं है। इसका मतलब आपका गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। यहाँ पे ड्राई नट्स के नाम पे हम यहाँ पे थोड़े से काजू बादाम डाल रहे हैं, ये रोस्ट किए हुए हैं, आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं। काजू बादाम के अलावा हमने यहाँ पे 4 से 5 इलायची कूट के डाल दी है। और हमेशा आपको बोलता हूँ कि इलायची फ्रेश कूट के डालें, पाउडर बना के कभी ना डालें, खुशबू बरकरार रहती है और ताज़ा रहती है। गाजर का हलवा बनाने की सारी मेहनत यहाँ पे ख़त्म होती है। और ये देखिए कितना शानदार गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। और मेरे हिसाब से अब आप कभी भी गाजर का हलवा कुकर में नहीं बनाएंगे, क्योंकि कुकर में बनाने से गाजर का हलवा नहीं बनता है, गाजर का वो मैश ही बनता है। तो ये लीजिए, ये गाजर का हलवा यहाँ पर रेडी हो गया है। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है, अब फटाफट से इसको सर्व कर लेते हैं।